नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेडी स्टॉक्स। तो दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा नंबर लाने वालों को बाहर कर दिया गया है और कम नंबर वालों को सिलेक्ट कर लिया गया है। तो ये क्या माज रहा है दोस्तों? पटवारी में पीईबी की तरफ से बयान आया है दोस्तों, जो कि पत्रिका संवाददाता से बात हुई है। और क्या बात हुई, चलिए मैं बता देता हूँ। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ नॉमिनेशन होता क्या आखिरी में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले न्यूज़ अगर पढ़ लेते हैं तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा के अंतिम रिजल्ट को लेकर विरोध होने लगा है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें उम्मीदवारों के पहली बार मिले रिजल्ट और अंतिम रिजल्ट में 2 से 7 नंबर तक का अंतर आ गया है। ऐसे में कई उम्मीदवार ऐसे जिनका कट ऑफ से अधिक नंबर आए थे, फिर प्रक्रिया से बाहर हो गए और कम नंबर वाले कट ऑफ को पार कर गए। 72 अंक वाले उम्मीदवारों को सिलेक्शन हो गया, वहीं 80 से अधिक नंबर वाले बाहर हो गए। उम्मीदवारों का कहना है कि 1 से 2 नंबर का अंतर भी आता तो ठीक था। हम सार्वजनिक करेंगे पूरी प्रक्रिया। पीवी की तरफ से दोस्तों जो बयान आया है उसको सुन लीजिए। पीवी के प्रवक्ता डॉक्टर आलोक चौबे का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन एक आदर्श प्रक्रिया का हिस्सा है। यह सही है कि उम्मीदवार को प्रक्रिया को लेकर भ्रमित हो रहे हैं। पीवी एक सप्ताह के भीतर पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करेगी ताकि उम्मीदवार समझ सकें। डॉक्टर वर्मा का कहना है कि प्रदेश में मौजूदा संस्थान ऐसे नहीं है कि परीक्षा एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जा सके। यानी दोस्तों, एक शिफ्ट में आपकी परीक्षा नहीं कराई जाती क्योंकि इतना ज़्यादा संस्थान नहीं है, इतना ज़्यादा नेटवर्क नहीं है, इतने ज़्यादा सिस्टम्स नहीं है क्योंकि इस वजह से। और पटवारी भर्ती परीक्षा कई शिफ्टों में अलग अलग पेपर सेट के माध्यम से ली गई, इसलिए यह स्थिति बनी। वह रिस्पॉन्स शीट लीक होने की जाँच कराई जा रही है। दोस्तों, जो रिस्पॉन्स शीट लीक हुई थी उसकी भी तरह बहुत अच्छी तरह से जाँच कराई जा रही है। और एक जो खबर है, अशोकनगर के गौरव त्रिपाठी 83 नंबर प्राप्त हुए होने के बाद 79.63 रह गए। वहीं सुनील किलार 73.46 नंबर प्राप्त हुए थे, जिनके बढ़कर 80.9 हो गए और वो सिलेक्ट हो गए। एक उम्मीदवार सुबी शर्मा ऐसी भी हैं जिनको 0 अंक प्राप्त हुए थे, उसका रिजल्ट -4.9 हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गौरव त्रिपाठी अशोकनगर से, उनके 83 नंबर थे जिनके बदल के 79.63 हो गए। और बाद में अगर बात कर लें तो सुनील किलार जिनके 73.46 थे, उनके बढ़कर 80.09 हो गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में बदलाव हुआ है। वहीं एक सुबी शर्मा करके, जैसे कि मैंने आपको कल भी वीडियो बताई थी, सुबी शर्मा नाम से एक कैंडिडेट थी, उनके पॉइंट अगर आप देखे जाओगे तो माइनस में होकर -4.91 हो गए हैं। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है नॉर्मलाइजेशन से। और नॉर्मलाइजेशन होता क्या है दोस्तों, एक बार पढ़ लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन जो बताया गया है, आलोक चौबे ने बताया कि प्रक्रिया उम्मीदवारों के हित में की गई। पीवी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आलोक चौबे ने बताया कि प्रक्रिया उम्मीदवारों के हित में हित की है। उदाहरण के तौर पर एक परीक्षा 100 सीट के लिए 10 शिफ्टों में कराई जाती है, जिसकी हर शिफ्ट में 100-100 उम्मीदवार शामिल होते हैं। हर एक शिफ्ट में अलग अलग पेपर होंगे, इनमें किसी एक शिफ्ट का पेपर बहुत सारा ला जाता है तो 90 उम्मीदवार चयनित हो जाएंगे और बाकी शिफ्ट में इक्का दुक्का उम्मीदवारों को चयन होगा, इसलिए सभी पेपर का औसत एक जैसा लाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, अगर एक शिफ्ट में अगर बात कर लें तो, और जो एवरेज है वो निकाला जाता है सारी शिफ्ट का, उस बेस पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन को लेकर बवाल हो चुका है। आपको भी कुछ लगता है, डाउट है आपके मन में भी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लियो। साथ ही साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जो सब्सक्राइब बटन के बगल में होता है, जिससे कि आपको तुरंत वीडियो का अपडेट मिल जाएगा जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी। धन्यवाद दोस्तों आपका बहुत बहुत मेरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।